बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत आसानी के साथ बनने वाली मिल्क पाउडर बर्फ़ी। मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 2.5 कप दूध लिया है। मिल्क पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं, मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा फ्रेश मिल्क 1/4 कप यानी 3/4 कप और चीनी 1/2 कप यानी 1/2 कप और घी 1/4 कप। देसी घी ले लें या अपनी मर्ज़ी से दूसरा घी ले लें और 2 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर और थोड़े से पिस्ते बादाम हैं काट के रख लिए मैंने गार्निशिंग के लिए। तो अब इसको बनाते हैं। अब आप पैन ले लें और इसमें घी डालें। इसमें घी गर्म हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालना है। इसमें चंद सेकंड के लिए आपने इसको घी में कड़कड़ाना है ताकि खुशबू आ जाए और फिर फ्रेश मिल्क डाल देना है इसमें। इसको पकने देना है। अब आप देखें ये उबलने लग पड़ा है, उसमें चीनी डाल दें। अब आपने थोड़ी सी देर के लिए फ्लेम को लो करना है और इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। इसमें आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब आप फ्लेम को फुल कर लें। इसमें मसलसल चम्मच चलाएं ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखें एक हलवे की तरह बन रहा है, बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है आपने। अब आप देखें कि ये सिमटने लग पड़ा है यानी गाढ़ा होने लग पड़ा है। चंद सेकंड मैंने इसको और पकाना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये हमारे पास एक गाढ़ा सा हलवा नुमा पेस्ट बन गया है। अब आप देखें कि ये बिल्कुल सिमट गया है, ठीक है। अब ये इस तरह करने से नीचे नहीं गिर रहा बल्कि झटकने से गिर रहा है और ये नज़र आ रहा है आपको कि ये काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब यहीं पे मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना था। ये देखें इकट्ठा करने से ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया और इस तरह से इसकी कोई तार नहीं टूट रही। बस यहीं पे हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। इसको अब कर लें ठंडा कर लें। अब आपने जिस भी बर्तन में बर्फ़ी को जमाना है उसको ग्रीस करें और नीचे बटर पेपर लगा लें। आपने इसको अच्छे तरह से सेट कर देना है इस तरह से। थोड़े से पिस्ते बादाम इस पर छिड़क दें। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें। थोड़ा सा इनको ऊपर से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए और अब आपने इसको ढक्कन लगा के कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए,
फिर इसके टुकड़े काटेंगे। हमारी मिल्क पाउडर बर्फी तैयार हो गई है। मैंने 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था, ठंडी हुई जम गई तो मैंने इसको बाहर निकाल कर 5 मिनट के लिए रखा और फिर बटर पेपर उतार लिया। उसके बाद मैंने इसके टुकड़े काट लिए हैं, टुकड़े बहुत आसानी से काट किए हैं। आप देखें कितनी अच्छी बर्फी जमी है और कितनी मज़े की बनी है। आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।